मदन जी क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में? ड्रामा क्रिएट किया गया है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सदस्यों ने मारपीट की राजेंद्र गुड़ा। बीजेपी ने राजेंद्र गुड़ा को बलि का बकरा बनाया है और इन्होंने पहले ही साठ गांठ कांग्रेस में मालूम पड़ गई और आज नकली डायरियों का ड्रामा कर रहे हैं। तो क्या इतनी डायरियां आपके पास में? दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरी डायरी छीन ली गई, बाहर आके दूसरी डायरी बता रहे हैं। तो ये डायरी होती तो दो साल राजेंद्र गुड़ा जी क्या नींद में थे? क्यों नहीं पहले बात की? और आज माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी का षड्यंत्र कोई काम नहीं आएगा। और लोकतंत्र में विधानसभा में बुजुर्ग मंत्री के ऊपर धक्का लगाना और हाथ उठाना, ऐसे व्यक्तियों की लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। विधानसभा को आज शर्मसार किया है, आज विधानसभा की जो पूरे देश में जो अपनी इमेज है, ऐसे व्यक्ति असामाजिक की तरह ऐसे विधानसभा में कलंकित किया है। पूरी घटना के आप साक्षी थे सदन के अंदर, बताएंगे एक किस तरह का घटनाक्रम? ये पहले तो लेट आए, आते ही जैसे बीजेपी वाले पहले खड़े हुए और उसके बाद में ये खड़े हुए और आसन के पास में गए और उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी ने मना किया और वापस आके ज्यों ही बिल या कार्रवाई शुरू हुई, धारीवाल जी पढ़ रहे थे और इन्होंने कागज फाड़ने का और धक्का दिया है, हाथ उठाया है। ऐसे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। विधानसभा को शर्मसार किया है। हम घोर निंदा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त करके सही निर्णय लिया है। अब इनको पार्टी से भी निकलवाओगे आप? वो पार्टी हाईकमान का काम है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन ऐसे बीजेपी के संस्कार सामने आ गए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के ऐसे संस्कार हैं? क्या उनके पास में पर्सनली कोई मुद्दा नहीं जो इनके सारे डायरी का ड्रामा कर रहे हैं? और मैं आरोप लगाता हूँ कि दो साल पहले की बात अगर है तो आज इतने नींद में क्यों रहे राजेंद्र जी? और अगर सही थे तो ये बात पहले क्यों नहीं की और दो साल बाद में ये नाटक कर रहे हैं? ये बार बार सुना जीतने के हथकंडे अपना रहे हैं। वो तो कार्रवाई में दिख जाएगा, हम वहां मौजूद थे। इन्होंने उल्टा हाथ उठाया धारीवाल से, आपके ऊपर कोई मारपीट नहीं हुई, झूठा षड्यंत्र। और मैं टेलीविजन के ऊपर राठौड़ साहब को देख रहा था, राजेंद्र जी तो एकदम हद ही पार कर दी कि 1% सच्चाई नहीं, बिल्कुल झूठी बोल रहे थे। तो क्या ये पूरी तरह लाइल डायरी के पीछे बीजेपी और राजेंद्र गुड़ा की साजगांठ है? पहले भी इनका मैच फिक्स था और इनको बलि का बकरा बनाया। बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं। अगर डायरी थी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 2-2.5 साल नींद में थे, आज क्या याद आ गई? अगर आप सच्चाई ईमानदार हैं तो पहली दफा उसी दिन आप बताते, तब हम मानते हैं कि लाल है या सफेद है। मेरे पास में इनका कवर है और कोई लाल है न कोई सफेद है। मुख्यमंत्री जी की सभी दुनिया जानती है, इन कारणों से इनके कहने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है मदन जी कि कांग्रेस सरकार जो अच्छी घोषणाएं नीतियां लाई है, अब एक बीजेपी पूरा उस पर कालिक पोतना चाह रही? बीजेपी घबरा गई है, उन्होंने मान लिया कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, अशोक गहलोत जी की आ रही है, इसलिए हमारे कुछ सदस्यों को भ्रमित करके बलि के बकरे बनाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी सफल नहीं होगी, हम दावे के साथ में कह रहे हैं। ऐसी डायरियां काली पीली आती जाएगी और सरकार कांग्रेस की आ रही है। कांग्रेस विधायक दल के आप सदस्य हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, क्या सोचते हैं अब इस घटनाक्रम के बाद क्या होना चाहिए, राजेंद्र गुड़ा को लेकर क्या होना चाहिए? जो होना सा हो गया, अब क्या होने वाला? अब तो ड्रामा बाकी रहा है और विधानसभा को शर्मसार किया है, कलंकित किया है। ऐसे लोगों का लोकतंत्र में जनता अपने आप निर्णय करेगी। मदन जी पूरा घटनाक्रम आपने अपने आंखों से देखा और ये आरोप प्रत्यारोप जो बाहर आकर लगाए जा रहे हैं, कितने सच कितने झूठ? 100% झूठ है, सच्चाई हकीकत 1% भी नहीं है। सतीश जी आगे बैठा।